लोकसभा चुनाव के शेष चरणों का प्रचार अभियान जोरों पर, सभी पार्टियों के प्रमुख नेता मतदाताओं तक पहुंचने का कर रहे हैं प्रयास। पांचवें चरण का प्रचार कल शाम होगा समाप्त। इस चरण के लिए 6 मई को डाले जाएंगे वोट। भाजपा के वरिष्ठ नेता व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में की चुनावी जनसभाएं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी राजस्थान और मध्य प्रदेश में किया चुनाव प्रचार। ओडिशा के तटीय क्षेत्र से टकराया चक्रवाती तूफान फानी। 170 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवाओं के साथ हुई मूसलाधार बारिश। एनडीआरएफ की 54 टीमों के अलावा 31 टीमें भी कई इलाकों में की गई हैं तैनात। ओडिशा और कोलकाता चेन्नई लाइन की 223 ट्रेनें कल तक के लिए की गई रद्द। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर, सेना का जवान भी हुआ घायल, तलाशी अभियान जारी। विवादित धर्मगुरु जाकिर नाइक के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने की बड़ी कार्रवाई। ईडी ने नाइक और अन्य आरोपियों के खिलाफ अभियोजन की शिकायत कराई दर्ज। ईडी ने करीब 193 करोड़ रुपए की ऐसी संपत्तियों की पहचान की जिन्हें गलत तरीके से किया गया था अर्जित। पाकिस्तान ने जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र से वैश्विक आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद उसकी संपत्ति फ्रीज करने और उसकी यात्रा पर प्रतिबंध लगाने का आदेश किया जारी। मसूद अजहर पर हथियार और विस्फोटक खरीदने और बेचने का भी लगाया गया प्रतिबंध। दुनिया भर में आज मनाया जा रहा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। इस वर्ष इस दिवस का विषय है लोकतंत्र के लिए मीडिया, भ्रामक सूचनाओं के दौर में पत्रकारिता और चुनाव। एवेंजर्स सीरीज के एंड गेम ने भारत में की 100 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई। दुनिया भर में 8000 करोड़ रुपए की कमाई कर दुनिया की सबसे अधिक कमाई वाली फिल्मों में हुई शामिल। भारत के बजरंग पुनिया ने रूस में अली अली एवं कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किया हासिल। पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में दुनिया के शीर्ष खिलाड़ी बजरंग ने रूस के विक्टर असादीन को 13-8 से किया पराजित।